तनक मेहता का उल्टा चश्मा। बागा एक तो तू चाबी भूल गया, ऊपर से बावरी के घर पे मतलब जलेबी चटनी मतलब एक तो तू चाबी भूल गया तो सेठ जी गुस्सा होंगे, वो भी बावरी के घर पे तो सेठ जी और गुस्सा करेंगे। हो गई ना जले पे चटनी। अरे बाप रे नटू काका अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी बावरी को फोन करके चाबी मंगवा ले। बराबर। नहीं नटू काका, अगर बावरी जी के आने से पहले सेठ जी दुकान में आ गए तो मैं सेठ जी को क्या जवाब दूंगा? उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं खुद बावरी जी के यहाँ जाता हूँ और चाबी लेकर दुकान आ जाता हूँ। हाँ हाँ तो जल्दी जा, वरना सेठ जी आ जाएंगे तो कोपायमान होंगे। नहीं नहीं, मैं अभी बावरी जी के यहाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। भगवान मेरी भी मत मारी गई थी। क्या बात है, आज तो दरवाजा खोल के हमारा स्वागत किया जा रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बाहर जा रहा था, मैंने अपने लिए दरवाजा खोला। कहाँ जा रहे, बावरी से मिलने? हाँ। देखो 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 नट्टू काका, ये प्रेगे को देखो। प्रेगे? प्रेमी का घेलो। अभी तो दुकान खुली नहीं, कमाई के दो दाने कमाए नहीं कि इस प्रेमी पंखेड़े को प्यार के आसमान में उड़ान लगा नहीं है। सिद्ध जी, दरअसल वो किसका फोन है? मेरा। अरे उसमें फोन किसका आया है? वो तो देखूंगा तो पता चलेगा ना। क्यों, देखने की क्या जरूरत है? तू ही कह रहा था ना एक बार कि भाई मुझे सिर्फ दो ही लोगों के फोन आते हैं, एक आपका और एक बावरी का। तो मैं तो यहाँ हूँ, तो जाहिर सी बात है अभी बावरी का ही फोन होगा। इसका बावरी का है ना? मैंने क्या भाई, तुम दोनों कौन सी भाषा समझते हो? इतनी बार समझाया फिर भी समझते ही नहीं है, दुकान के टाइम पे चालू ही हो जाते हो बे रोक टोक। फोन नहीं करने का दुकान के टाइम पे, फोन नहीं करने का, फोन रख। अरे ये झड़बरत समझती ही नहीं है, मना किया फिर भी फोन कर रही है। सेठ जी एक बार सुन तो लीजिए वो क्या कह रही है। नटू काका आप भी, अरे बाघा को समझाने की जगह आप मुझे समझा रहे हैं। सेठ जी बाघा को जाने दीजिए वो। ठीक है भैया ले जा, एक महीने के लिए जा, एक महीने तक जी भर के बावरी को मिल ले, जब बावरी से मन भर जाए और काम में मन लगाने का मन हो तभी वापस आना। हाँ भाई जा। नहीं नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है ना, तो सब बात चलो काम पे लग जाओ। चलो नटू काका जी, ये चेक बैंक में भरा देना, आते आते प्रणु भाई की दुकान से लेके आया हमें। जी सेठ जी। और ये क्या, ये पैसे किसके? आप ही के हैं। कभी निकाल लिए? नहीं नहीं सेठ जी, आई एम नॉट पिक पॉकेटियर, आई एम कीप पॉकेटियर। आपके आने से पहले हमने मोबाइल बेचा था 8700 में, ये वो पैसे है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो पैसे हाथ में क्यों पकड़ के खड़े, गले में रख दीजिए। नहीं सेठ जी। है? क्यों? अभी नहीं रख सकता। पर क्यों? सेठ जी वो आज सवेरे सवेरे सपने में मुझे एक बाबा मिले, बाबा ने मुझे बताया कि बच्चे आज आधे दिन के लिए दुकान का गल्ला बंद रखना, इससे तुम्हें धंधे में बहुत फायदा होगा। अरे नटू काका ऐसे बाबाओं की बात मानने लगे ना तो सिर्फ गल्ला ही नहीं, एक दिन दुकान बंद करके हमें बाबा बनकर रास्ते पे घूमना पड़ेगा। चलिए ज्यादा सोचिए मत, गल्ला लक्ष्मी जी का स्थान है तो लक्ष्मी जी को मान सम्मान के साथ उनके स्थान पे रख दो। हाँ चलो। सेठ जी बहुत दिनों से आपसे मेरी बात नहीं हुई है। किस बारे में? पगार, आप मेरी पगार कब बढ़ा रहे हैं? नटू काका कर्म और किस्मत पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अर्थात पगार क्या है, मांगने से नहीं बढ़ता, वो अपने आप बढ़ता है। लेकिन अपने आप कैसे बढ़ेगा सेठ जी, ये कोई बॉडी वेट थोड़ी है जो अपने आप बढ़ जाएगा, पगार तो आप बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा ना। अच्छा बाबा बढ़ाऊंगा, ये पैसे तो गले में रख दीजिए। नहीं रख सकता। नटू काका सुबह के सब सपने सच नहीं होते, रख दीजिए पैसे गले में। नहीं नहीं
सपने की बात नहीं है तो अपने की बात है। मतलब दरअसल सेठ जी गल्ले की चाबी बागा बावरी के घर भूल आया। बागा और नट्टू काका, अब तक आप मुझसे झूठ बोल रहे थे। नहीं नहीं सेठ जी, आपसे झूठ बोलने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये आपका ईमानदार वफादार नट्टू थोड़ी देर के लिए आपसे सच छुपा रहा था। चाबी आते ही मैं आपको पूरा सच बता देता। सॉरी सेठ जी, आप जब आ रहे थे तब मैं बावरी जी के पास चाबी लेने ही जा रहा था। बघावत्ता बावरी बराबर मेरी परेशानी। बागा, तेरी और बावरी की वजह से परेशान हो के मेरा दिमाग अभी थक गया। अभी तू ही बता मैं क्या करूं। तुझे डांटता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डांट की तुझे कोई असर नहीं हो रही है, उल्टा तो मन ही मन खड़े खड़े ऐसे मजे ले रहा है। सेठ जी परेशान हो रहे, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। आपको परेशान देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अरे भाई, तुझे दुख होता है तो फिर क्यों करता है मुझे परेशान है? मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए मुझे परेशान करना बंद कर भाई। सेठ जी, मगर जानबूझकर थोड़े ही आपको परेशान करेगा। ओ वकील बाबू, इस सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। गल्ले की चाबी आपके पास रहती है ना, तो फिर क्या जरूरत थी या बागा को चाबी देने की? सेठ जी, मुझे बागा पर विश्वास है इसलिए। अरे भाई, विश्वास तो मुझे भी है। 100 टच का सोना है ये आदमी, एक भी रुपया इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन अभी अपना सीधा साधा बागा नहीं रहा ना, अभी ये प्रेखे बागा हो गया है, प्रेमी का जेला। और आप तो जानते हैं ना नटू काका, जब आदमी प्यार में पड़ता है तो उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी प्रेमिका के। कोई गुस्से से ना डांटो मेरे बागेश्वर जी को, कोई गुस्से से ना डांटो मेरे बागेश्वर जी को, ये बड़े मासूम है। बावरी चुप हो जा, सेठ जी बागा पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, सेठ जी समझा रहे हैं। तो अरे कट्टू काका। अरे कट्टू काका ने, इट्स ओके सेठ जी, शी इज जस्ट ए किड, नादान बच्ची है। और आप मेरे भोले भुलक्कड़। आप लोगों को पता है क्या, बागेश्वर जी मेरे घर चेस खेलने आए थे और चेस खेलने में इतना दिमाग लगा दिया कि दुकान के गल्ले की चाबी मेरे घर ही भुलाए। ये लीजिए। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। नटू काका ये लीजिए। सॉरी सेठ जी, गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए देखिए प्रेगे को देखिए, अभी तो ये भाषा भी बावरी की बोलने लगा है। अभी दुकान में यही करते हैं, इतने साल धंधा किया बहुत हो गया, अभी बस मजा करते हैं। और जिंदगी मेरा क्या क्या है क्यों? बावरी जी, बावरी जी अब आप जाइए। क्या जाइए बागेश्वर जी, मैं जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो आपको लेने के लिए आई हूँ। बावरी जी, वो क्या है ना बागेश्वर जी, मेरी अलमारी का दरवाजा लॉक हो गया है, तो आप घर आकर देख लेंगे। जा 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 बागा, जा जा जा। 20-30 साल बाद आना, जब टप्पू ये दुकान संभाल रहा होगा, तेरी उम्र नट्टू काका जितनी हो गई होगी, तब वापस आना। जा जा। नहीं 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 बावरी जी, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं दुकान बढ़ाने के बाद आके देख लूंगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। बागेश्वर जी, जैसे आप मेरे घर पर चाबी भूल गए थे वैसे भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, मैं याद दिला दूंगा बेटी। ओके बाय बागेश्वर जी। बाय बावरी जी। थैंक यू बावरी जी, और सॉरी आपको चाबी देने यहाँ तक आना पड़ा। अरे इसमें सॉरी क्या, और उल्टा थैंक यू, आप मेरे घर चाबी भूला है इसीलिए तो मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। और मैं तो कहती हूँ आप बार बार लगातार हजार बार कुछ ना कुछ भूलते ही रहे। हाँ, और इसी तरह धीरे धीरे एक दिन फिर बावरी को भी भूल जाना। नाम मिट्टू लाल जी है, तो ऐसी कड़वी कड़वी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे मीठा लाल बाघा। बावरी जी चलिए चलिए अब जाइए यहाँ से, मैं दुकान बढ़ाने के बाद घर पे आके अलमारी देख लूंगा। दिमाग खा गई। चलिए ओ नट्टू काका, अभी चाबी मिल गई ना,
तो रख दीजिए ना पैसे गल्ले में। जी जी जा खड़े है यहाँ पे। जी जी सेठ जी। बोलिए मेहता साहब। हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? क्या तो कुछ टेंशन में हो? बाद में बात करूँ, बिजी हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, सॉरी। बोलिए बोलिए। तुम बोलो भाई, तुम्हारा मिस कॉल था इसलिए मैंने फोन किया है, क्या हुआ? अरे क्या बोलू मेहता साहब, आजकल आप भूले बिस्तरे गीत की तरह इस दोस्त को भूल गए, मिलता ही नहीं, कहाँ हो, किसमें बिजी हो गए आप? क्या करें जेठालाल, मजबूरी है, हम तुम्हारी तरह दुकान के घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक तो है नहीं, तुम्हारी तरह सेठ तो है नहीं, हम तो भाई तनख्वाह वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो हमें तो काम करना पड़ता है भाई। हमारी तनख्वाह बढ़े ना बढ़े लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ना चाहिए। मतलब? अरे मतलब भाई कंपनी की जो सेल्स टारगेट है वो पूरे हुए नहीं है तो पूरे करने के लिए भाग दौड़ चल रही है। जमाने का दस्तूर यही है जेठालाल, टारगेट पूरे करने हैं। नौकरी पेशा आदमी हो, आम आदमी हो, व्यापारी हो, कंपनी हो, सबको टारगेट पूरे करने, और टारगेट के खत्म ही नहीं होते। 5 लाख का खत्म किया तो 25 लाख, 25 लाख का खत्म किया तो 50 लाख, सारी जिंदगी इसकी पीछे भाग दौड़ में लगी हुई है। मेहता साहब पैसे आजकल के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, तो उसके पीछे दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। पैसों की दौड़ कभी पूरी होती नहीं जेठालाल। वैसे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अरे भाई तुमसे इस बातचीत में मुझे एक बढ़िया आइडिया मिला आर्टिकल लिखने के लिए। भाई आदमी जितना भी जिंदगी में कमा ले उसकी दौड़ खत्म ही नहीं होती, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि इंसान की जितनी जरूरत हो जरूरत का भी पैसा उसे ना मिले, या फिर जो उसने सपने में भी ना सोचा हो उतना पैसा मिल जाए तो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, है ना कमाल का आइडिया? क्या 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 क्या? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाता हूँ, इस वक्त मेरे दिमाग में एक आर्टिकल का बढ़िया ताजा आइडिया आ रहा है, मैं वो लिख लेता हूँ, फिर मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके ओके चलो ठीक है। ओके मेहता साहब अभी ऑफिस का सब टेंशन भूल के है ना, मस्ती से सोडा पीजिए। अरे जेठालाल मैं ऑफिस के तो सारे टेंशन और काम ऑफिस में छोड़ के आता हूँ, घर पे कभी नहीं लेके आता। ओ मेहता साहब तुमके खास तोड़ेगा, मजा लीजिए। लाला भाई जल्दी सोडा दे दो, आज कुमल ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि थोड़ा ज्यादा खा लिया। हाथी भाई क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो ये कह के? भोजन के मामले में आपके मजे आनंद है जीवन में हाथी भाई, खाने पीने के मामले में गोकुल धाम में सबसे सुखी आप और सबसे दुखी मैं। सही बात है। गलत भाई। भाई गोकुल धाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मैं हूँ। सही बात है। अरे क्या सही बात है भाई, पूछोगे नहीं कि मैं सबसे ज्यादा दुखी क्यों? पोपट लाल इसमें पूछना क्या भाई, गोकुलधाम सोसाइटी क्या पूरा गोरेगांव जाता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम दुखी हो। पोपट लाल दुनिया में सभी को कोई ना कोई दुख होता ही है और सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है। अय्यर भाई आपको क्या दुख है, आपको तो सुख ही सुख है। जेठालाल मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ। हाँ भाई वैसे अय्यर भाई की बात तो ठीक है, हर आदमी को जीवन में कोई ना कोई दुख और टेंशन तो होता ही, बस फर्क इतना है किसी को टेम्पररी होता है किसी को परमानेंट होता है। और अगर टेम्पररी टेंशन परमानेंट बन जाए ना तो सबसे ज्यादा दुख होता है। मेरे मास्टर तुम्हारा ऐसा कौन सा टेम्पररी टेंशन है जो परमानेंट हो गया कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो? सर के बाल का। अरे बाल का नहीं सोड़ी, माल का टेंशन है माल का। ओहो पैसे का प्रॉब्लम है। अरे भाई भिड़े पैसों का प्रॉब्लम किसको नहीं है इस दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब से पैसे इस दुनिया में आए हैं तब से सबको पैसे का प्रॉब्लम है, और खास करके आजकल तो मार्केट इतना टाइट है सब रोलिंग अटक गया है। हाँ जी डबरा, वो शौकीन लोगों को छोड़ दो तो बाकी लोग जो हैं वो उतनी सीरीज लगवाते हैं जितनी जरूरी हो। भाई पहले हम लोग होटल में बाहर खाना खाने जाते थे तो 800-1000 रुपए का बिल आता था, आज उतने ही खाने का 2000-2500 बिल आता है, बताइए आदमी क्या करे, भूखा मरे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो आती भाई, लेकिन भिड़े तुम्हें पैसों का क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, क्या किया? अरे मेहता साहब एक मनोज भाई करके उनके पास से अचार पापड़ का पेमेंट डाला बाकी है, 4700 रुपए ही है लेकिन 6 महीने हो गए देने का नाम ही नहीं है। अरे भाई भिड़े मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार होता है, 10 में से 1-2 पार्टी ऐसी निकलती है जो पेमेंट का प्रॉब्लम करती है। एक काम कर पेड़ो, इस बंदे के ऊपर केस कर दे। वाह मतलब 4700 रुपए वसूल करने के लिए वकील का 15-20 हजार का खर्चा करूं? सही बात है, छोड़ो भिड़े मास्टर भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई, ऐसे कैसे भूल जाऊं, माधवी कितने मेहनत से अचार पापड़ बनाती है।
हाँ यार, अपना पीड़ू कितनी मेहनत करता है, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, आंधी तूफान आ रहा हो, लेकिन पीड़ू अचार पापड़ की डिलीवरी करेगा ही करेगा। मैं तो कहता हूँ पीड़ू केस कर दे। अरे प्रत्यक्ष, अरे सॉरी सॉरी पीड़ू, भूल गया। लेकिन भिड़े भाई, 4700 छोड़ना नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई भिड़े, मेरी तो सलाह है कि तुम उस पार्टी की दुनिया हिला दो। अरे पवनलाल, क्या हर बात में दुनिया हिला देने की बात करते हो? पैसा समझदारी से वसूल किया जाता है, झगड़ा करने से नहीं। अय्यर, पिछले 6 महीने से समझदारी दिखा रहा हूँ। अरे उसको कितनी बबार फोन किया, उसके दुकान गया, हमेशा 3-4 फिक्स जवाब सुनने मिलते। आज क्या, दुकान पे नहीं हूँ, कभी तो फोन पे आवाज नहीं आ रही है, कभी अरे कड़की चल रही है भाई, मंदी है, तो कभी अरे कल आना चाहिए था ना, कैश मिल जाता। या ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए, 1 रुपया नहीं मिला, और ऊपर से फोन और पेट्रोल के 200-500 गए, वो अलग से। समझ में नहीं आता क्या करूं। बेटा एक काम कर, तू उसके घर पहुंच जा और उसकी फैमिली के सामने उससे पैसे मांग। क्या फैमिली के सामने पैसे मांगेगा ना, उसको शर्म आएगी और तुरंत दे देगा। यस यस, बात में दम है। उसका घर का पता मालूम है ना तुझे? हाँ पता तो है मेरे पास, क्योंकि आचार पापड़ की डिलीवरी करने में घर पे ही गया था उसका। अरे वाह भिड़े भाई, ये तो अच्छी बात है, आपका आधा काम तो हो गया। अरे अब्दुल वो दिन भर बाहर रहता है, घर पे भी बहुत लेट पहुंचता है वो। ना तो अभी रात में चले जाओ ना लेट ही। हाँ भिड़ू, काल करे सो, आज कर, आज करे सो आप, चल उठो चल। हाँ भाई भिड़े, अभी क्या, अभी पार्टी के घर पहुंच जा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। और फिर वहां से क्या, पुलिस स्टेशन जाना है? क्यों? अरे भाई पोपटलाल समझो ना, इस वक्त अगर तुम भिड़े के साथ पैसा वसूल करने के लिए गए, तो आरोप नहीं लगा देगा कि भिड़े गुंडों के साथ पैसा वसूल करने के लिए आया? हाँ ये दिखता भी डरावना है। मेरा मतलब है ओ पोपू, जेठा प्रा का कहना है फिर तेरी इमेज जो है ना वो गुंडे की हो जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुझसे? बात है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, तू अकेले ही चला जा। हाँ जा भिड़े, स्कूटर को किक मारो, निकल। नहीं नहीं जेठालाल, वो पैसे वसूल करने के चक्कर में पहले ही वो फोन और पेट्रोल पे 500 रुपए खर्च हो चुका है, अब नहीं करना है मुझे। इसलिए नाके पे जाता हूँ और बस में जाऊंगा पैसे लेने के लिए। अगर पैसे मिले तो रिक्शा में आ जाऊंगा, नहीं तो वापस बस में। हाँ लेकिन माधुरी भाभी को फोन करके बोल दो तुम बाहर जा रहे हो। रात का टाइम है भाई, चिंता होगी ना उससे। करेक्ट। हेलो। हाँ माधवी, मैं मनोज भाई के घर पे जा रहा हूँ पैसे लेने के लिए। ओ, इस वक्त रात को किसी के घर जाना अच्छा नहीं है, ना समझ हो गए हो क्या? माधवी मैं ना समझ नहीं हूँ, और अगर मैं ना समझ हूँ ना तो सोडा शॉप पर बैठे हुए मेरे सारे दोस्त ना समझे, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का है। ओ अच्छा अच्छा, तो जाकर आइए, सबने आइडिया दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। अच्छा मतलब अगर मेरा आइडिया होता तो बिना सोचे समझे होता ना? नहीं नहीं, हो तसो नहीं। तो अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? हाँ हाँ जाकर आइए, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ ओके चलो। कब मेरे भेड़े जैसे दिन आएंगे? वसूली के, पर उसके लिए किसी को पहले पैसे देने पड़ते हैं। सही बात। अरे वसूली के नहीं, पत्नी के साथ फोन पर मीठी नोक जोक के। आज अगर मेरी शादी हो गई होती। चलो भाई चलो, हिचती वेड़ चलो, गुड नाइट, चलो चलो। अरे छोड़ी, अरे हाथी भाई आप सुनिए, सुनिए ना हाथी भाई, अरे भाई सुनो तो सही। कोई तो भिड़े भाई को पैसा आज मिल जाए तो अच्छी बात है। आई 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 बड़ा बाबा कब आएंगे? क्यों क्या हुआ? मुझे इसमें डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा है। ओहो, लेकिन ये तो अभी पार्टी का पेमेंट लेने के लिए। ओखो भाई, इनका वॉलेट यहाँ? ये तो यहाँ पड़ा था, मैंने इसे यहाँ रखा। अरे कल्याण, ये कैसे जाएंगे, रिक्शे का भाड़ा कैसे देंगे? रिक्शे में बैठ भी गए होंगे अब तक। मैं उनको फोन करती हूँ। मैंने फोन लगा दिया है। घर से फोन? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक माधवी को भी चैन नहीं आएगा। हेलो माधवी, पैसों के लिए फोन किया ना? हाँ, आपको कैसे पता? मुझे पता है माधवी, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना तुम्हें चैन मिलेगा ना मुझे। अरे हमारी मेहनत के पैसे है यार। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तक मनोज भाई के घर पे पहुंचा नहीं हूँ, पैसे अभी तक मिले नहीं, रास्ते में ही हूँ। अहो, मैंने मनोज भाई के यहाँ पैसे मिले कि नहीं ये पूछने के लिए फोन नहीं किया है। फिर और किसके पैसे बाकी है? आपके। कहते आपकी जेब में वॉलेट है? मेरी जेब में वॉलेट है नहीं है। कर लो, किसके लिए फोन किया था? ठीक है, अब क्या करोगे, रिक्शे में बैठ गए आप? नहीं नहीं अभी तक बैठा नहीं हूँ मैं, एक मिनट। आदमी मेरे जेब में 50 रुपए है, तो तुम चिंता मत करो, अभी मैं मनोज भाई के घर पे जाऊंगा ना बस में, तो 10 रुपए खर्चे होंगे, और आते वक्त उनसे पैसे मिल जाएंगे तो रिक्शा में आ जाऊंगा,
भगवान ना करे अगर पैसे ना मिले तो फिर बस में ही आ जाऊंगा, फिर भी मेरे 30 रुपए बचेंगे। ठीक है नसीब, चलो मैं पैसे लेके आता हूँ घर पे, ठीक है? बाबा के पास जेब में 50 रुपए है। भाई साहब। हाँ बोलिए। बहुत भूख लगी है, कल से खाना नहीं खाया। देखिए आप जैसे झूठ बोलकर पैसे मांगने वाले बहुत देखे हैं मैंने। ठीक है, सुनिए काका, आपने सच में कल से खाना नहीं खाया? नहीं साहब। देखकर लगता नहीं कि काका झूठ बोल रहे होंगे, वाकई में भूखे लग रहे हैं, लेकिन मेरे जेब में तो 50 रुपए है। खैर मैं घर जाके दोबारा पैसे ले सकता। काका ये लीजिए काका, कुछ खा लीजिए। भगवान आपका भला करे साहब। एक मिनट काका। जी। आप इन पैसों से सच में खाना ही खाएंगे ना, शराब नहीं पियेंगे ना? अरे साहब आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाना खिला दीजिए। अरे नहीं नहीं ठीक है। चलो घर जाके पैसे ले लेता हूँ। ए बड़ा, बाबा को आते आते लेट हो जाएगा, जा सो जा, कल सुबह कॉलेज है ना तेरा। ठीक है नाई, मैं उनके लिए वेट कर लूंगी, कल सुबह पूछ लेना ना। ठीक है नाई। अत्ता कौन आला? कौन है? मैं हूँ माधवी। आप इतनी जल्दी वापस आ गए पैसे लेकर? पैसे लेकर नहीं, पैसे लेने आया हूँ मैं, मतलब वॉलेट लेने आया हूँ। आपके पास 50 रुपए थे ना? थे माधवी, लेकिन वो क्या है, रास्ते में बेचारे एक बूढ़े काका मिले, बहुत भूखे थे तो मैंने उनको दे दिए। अच्छा क्या? तू दे ना मुझे वॉलेट, है ना? हाँ दे। हाँ चल मैं जाके आता हूँ। पिरो छोड़ी, तू इधर क्या कर रहा है यार? अरे मैं रहता हूँ इधर भाई। मेरा मतलब ये है, तू तो मनोज भाई के पास पैसे लेने गया था ना, तो इधर क्या कर रहा है इस समय? अरे नहीं वो मैं मेरा वॉलेट भूल गया था ना, तो वो लेने के लिए आया था। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ? तू मैं घर का दरवाजा बंद करने जा रहा था, तभी तेरे घर से मुझे कुछ आवाजें आई, तो मैं चेक करने के लिए आया कि इस समय यहाँ कौन है। ओह क्या बात है, देखा देखा माधवी, इसे कहते हैं जागृत पड़ोसी जागृत नागरिक। थैंक यू सोड़ी, थैंक यू सोड़ी भाई। अरे माधवी भाभी आप थैंक यू को कह रही हो, और ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी मैं जागृत पड़ोसी जो हूँ। और पिड़ू और मैंने तेरे को बोला भी है कि हम बीच वाली जो दीवार है ना उसको गिरा देते हैं, कभी कोई टेंशन ही नहीं रहेगा यार। सॉरी हम लोग वो दीवार के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मुझे जाना है पैसे लेने के लिए मनोज भाई के यहाँ। हाँ तो लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। आहो अभी काफी देर हो गई है, तो कल चले जाना ना। नहीं नहीं माधवी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 6 महीने से बाकी था उनका पेमेंट, 1 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, कल जाइए। नहीं नहीं माधवी अभी जाता हूँ। ओए पिड़ू तू माधवी भाभी की बात क्यों नहीं मान रहा है, तू ऐसे नहीं मांगेगा, चल चल अंदर चल। अरे अरे छोड़ एक मिनट मेरी बात देख भाई, तू तो जानता ना भाई कि मनोज भाई से 6 महीने हो गए पैसे नहीं मिले अभी तक। हाँ। तो हो सकता है कि मैं अभी जाऊँ तो मुझे पैसे मिल जाए, और ऐसे ही आती हुई लक्ष्मी को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है ना। बराबर है। हाँ माधवी भाभी सही कह रहे। हाँ अब जाकर आइए। ऑल द बेस्ट बाबा। थैंक यू सनू, और तुम जल्दी सो जाना, कल सुबह कॉलेज जाना है ना। चलो मैं चलता हूँ। चल बेटो मैं भी चलता हूँ। अरे तुम क्यों आ रहे हो सोड़ी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, और अगर मुझे ऐसा लगा वहाँ पे कि तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें फोन कर दूंगा। पक्का पक्का पक्का। चल फिर चल। हाँ चलो ओके। चलो आ जाओ, गुड नाइट। चलो बताओ गुड नाइट। आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूँ। ओ, ये भिड़े भाई को रात को भी चैन नहीं है, वसूली के लिए फोन किया है। अरे किसका फोन है, उठाइए ना। अरे वो चंदा मांगने वाले का फोन है, पीछे पड़ा है। अरे तू झिझकते क्यों, फोन उठा के सीधा ना बोल दो। अरे ऐसे नहीं मना कर सकता, टालना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो। अरे हेलो मनोज भाई। अरे मैं होटल में खाना खा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अभी आ रही आवाज कि आपके होटल के टेबल के और नजदीक आऊं मैं अभी? अरे भिड़े भाई
आइए आइए। आप तो कह रहे थे कोई चंदा मांगने वाले का फोन है। अभी जी इन्होंने सच कहा था, लेकिन आधा सच। मांगने वाला का ही फोन था, लेकिन चंदा नहीं बल्कि अचार और पापड़ का पेमेंट। आई एम सॉरी भाभी जी, देखिए मुझे इस तरह किसी के घर में रात को जाना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, पिछले 6 महीने से मेरा पेमेंट बाकी है अचार पापड़ का, जो अभी तक मनोज भाई ने दिया नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। मतलब वो जो 6 महीने पहले मैंने अपनी सिस्टर को अचार पापड़ भेजे थे US में, उसका पेमेंट अब तक बाकी है? जी मैंने कई बार फोन किया मनोज भाई को पेमेंट के लिए, लेकिन हमेशा अलग अलग जवाब मिला। जैसे आज मिला कि वो होटल में है, आवाज नहीं आ रही है, यू नो। ओ गॉड भिड़े भाई, सॉरी तो हमें कहना चाहिए, इतने महीनों से आपका पेमेंट बाकी है जो आपको अब तक मिल जाना चाहिए था। वैसे कितना पेमेंट है आपका? 4,700 रुपए। 4,700? मनोज 6 महीने हो गए, तुमने अब तक भिड़े भाई का पेमेंट नहीं दिया। स्वाति, वो मैं कल पेमेंट देने ही वाला था। तो मैं अभी कल आऊं? नहीं नहीं भिड़े भाई, मनोज पैसे दो। हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ, बिल्कुल। सॉरी भिड़े भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है। सॉरी भिड़े भाई, वो टेंशन में और भगदड़ में थोड़ा रह गया था। नहीं कोई बात नहीं मनोज भाई, नेक्स्ट टाइम याद रखना थोड़ा, है ना। वैसे भिड़े भाई, मेरी एक फ्रेंड है, वो अगले हफ्ते कनाडा जा रही है, तो अपने साथ गाजर का अचार ले जाना चाह रही है, तो नहीं 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 भिड़े भाई, वैसे इस बार आपको एडवांस मिल जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, मिल जाएगा आपको। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू सो मच एंड सॉरी वंस अगेन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। मिल गए पैसे, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अच्छा हुआ मनोज भाई के घर पे गया तो पैसे मिल गए, 6 महीने अटके हुए पैसे 5 मिनट में मिल गए। ये खुशखबरी माधवी को देता हूँ। हेलो हेलो माधवी, वो मनोज भाई के घर से पैसे नहीं मिले। ओगो भाई, वो रहने दीजिए, इतने भी अच्छे एक्टर नहीं है आप। है? मुझे पता चल गया है, पैसे मिल गए हैं। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? आपकी पत्नी हूँ, मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। खुशखबरी हो तभी आप मुझे फोन करेंगे, अगर टेंशन की बात होती तो मुझे टेंशन ना हो इसलिए मुझे फोन ही नहीं करते, कर लो। वाह वाह वाह, होशियार गए भाई माजी। अच्छा पूरे पैसे मिल गए ना? हाँ हाँ पूरे पैसे मिले। हाँ नशीब, 6 महीने से अटके पड़े थे। अच्छा अभी संभाल कर आना। ओहो तुम टेंशन मत लेना, मैं अभी रिक्शा मिलते घर आ जाऊंगा। यहाँ पे हो सकता है रिक्शा मिलने में थोड़ा टाइम लगे, तो तुम सो जाना, मेरे पास चाबी है घर की। ओके पर संभल कर आना और पैसे भी संभालना। हाँ ओ गबाई, चल चल बाय। लगता है यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलेगी, थोड़ा आगे जा। भिड़े इतना खुश होके चलने की जरूरत नहीं है, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे जेब में बहुत सारे पैसे हैं। कंट्रोल भिड़े कंट्रोल। तू सहसा नहीं है, बेवड़ा है, बेवड़ा एड में चल मरना है क्या? निकल ए! बेवा तू, बेवा तेरा बाप, बेवा तेरा खानदान। अरे मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मुझे बेवड़ा ही गई है। ए रिक्शा, ए रिक्शा, ए आजा बेटा आजा। अरे तुझे बोल रहा हूँ रिक्शा, इधर आना भाई। ये तो मुझे रिक्शा समझ रहा है। अरे खड़ा क्या हो गया भाई, अरे आ बस में आ ना भाई, आ जा भाई। ओहो कितना नशे में है ये, लोग इतना क्यों पीते हैं? सूट बूट पहना हुआ है, लगता तो अच्छे घर का है। अरे आ, 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 आ
यार रिक्शा कितना ड्राइवर यार। अरे तू तो खाली ऊपर से रिक्शा है, नीचे से नहीं है। काला किधर है? देखिए भाई साहब, बाप रे, देखिए भाई साहब मैं रिक्शा नहीं हूँ। तो रिक्शा नहीं है तो रोड पे क्यों है? अरे आप भी तो रोड पे, तो क्या रिक्शा है? अरे मैं रिक्शा होता तो तुझे क्यों रोकता? अरे मैं खुद ही खुद में बैठ के चला जाता। पैसा संभलिए भाई। देखिए आपने बहुत पी रखी है। मेरे पैसे से पी है, तुझे क्या? नहीं कबूल है, आपके पैसे से ही पी है। देखिए आप कहीं गिर जाएंगे, आपको लग जाएगा, मैं आपके लिए रिक्शा मंगा देता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? घर में। वाह चांगले। आपका नाम क्या है? पहले तू अपना नाम बता ले, तेरा नाम क्या है? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। इतना बड़ा नाम? आराम से भाई साहब। देखिए इतना बड़ा नाम नहीं है, मैं एड्रेस ही बता रहा था। मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े। वैसे आपने बताया नहीं आप कहाँ रहते हैं। बहरा है क्या? बोला ना घर पे। लेकिन तू कौन है यार, तेरा नाम क्या है? अरे बताया तो सही, आत्माराम तुकाराम भिड़े। ठीक है आप मत बताइए आप कहाँ रहते हैं, आप ये बताइए कि आपको जाना कहाँ है। अरे तुझसे मतलब, तू मेरे बारे में जान के क्या कर लेगा? अच्छा पहले तू बता के तू कौन है। अरे तेरा नाम क्या है यार? अरे आत्माराम तुकाराम भिड़े। ए झूठ मत बोल, जो दो तुकाराम आत्माराम भिड़े कैसे हो सकते हैं? दो कौन? अभी दो मिनट पहले पीछे मुझे एक आत्माराम तुकाराम भिड़े मिला। अरे भाई साहब मैं ही आपको वहां मिला था, मैं ही आपको आगे लेके आया हूँ। अरे चल चल, मैं अपने आप इतना आगे आया हूँ, समझा गया? तू मेरे बारे में जान के क्या कर लेगा? अच्छा पहले तू बता के तू कौन है? अरे तेरा नाम क्या है यार? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ए झूठ मत बोल, दो दो तुकाराम आत्माराम भिड़े कैसे हो सकते हैं? दो कौन? अभी दो मिनट पहले पीछे मुझे एक आत्माराम तुकाराम भिड़े मिला। अरे भाई साहब मैं ही आपको वहां मिला था, मैं ही आपको आगे लेके आया हूँ। अरे चल चल, मैं अपने आप इतना आगे आया हूँ, समझा गया? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप है कौन? अबे तू कौन है? अरे बोला ना मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। बहुत पका था यार, मैं पक चुका हूँ। निकल यार तू, चल निकल, चल यार। मानुष से संभलिए, देखिए आपको लग जाएगा, कहीं आप गिर जाएंगे, चोट आएगी आपको, इसलिए मैं आपको चिंता कर रहा हूँ। तुझे मेरी चिंता हो रही है? मम्मी देखिए भाई साहब सुनिए, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी नहीं है? नहीं। तो पजामा तो मम्मी का पहना है। क्या मजा है? मजा है। एक मिनट, तू मम्मी नहीं है? नहीं। तो जा नहीं, टाइम पास क्यों कर रहा है यार? रिक्शा रिक्शा, मेरा नकल करे। मैंने कब नकल की आपकी? नकल की अभी अभी नकल की। क्या क्या? लेकिन क्या नकल की? ए भाई तू जा रहे यार, तू है कौन यार? देखिए भाई साहब मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ कमाल है, आज सुबह से मुझे भिड़े ही भिड़ रहे। भिड़े भिड़े भिड़े, इसे बार बार क्यों अपना नाम बता रहा है? इसे तो अपना नाम भी याद नहीं होगा। भिड़े 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 भिड़े। रिक्शा रिक्शा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, वो बाइक थी, रिक्शा नहीं थी। अरे वो रिक्शा ही था यार, तू क्यों इतनी पीता है भाई? बीच तू जा यार से चल ना। मानुष से तू चोर तो नहीं है ना? मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अच्छा ना, चोरी करना सिखाता है। इतने भेटला बोर न का भेटू। हाँ भेटू या भिड़े? ए भेटू, ए भिड़े। अरे सुन मेरे भेटू रे।
अरे सुन मेरे अरे काय माणूस आहे हा, क्या कर रहा है ये आदमी। ये तो इधर ही आ रहा है। ये तो ड्राइवर मोबाइल पे लगा हुआ है। ओ भाई साहब टेम्पो आ रहा है भाई साहब हटिए। अरे ये सुन ये जान बचाने वाला ऊपर वाला होता है, मैं नहीं। नहीं नहीं देखो मेरी जान किसने बचाई? तुमने तो मेरे लिए ऊपर वाला तुम। थैंक यू यार, थैंक यू। हां हां ठीक है ठीक बस बस थैंक यू बस। हां भाई हां ए तुम इतने हिल क्यों रहे हो यार? लगता है इस एक्सीडेंट ने तुमको हिला के रख दिया है। बीपी नशा उतरा नहीं है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई यार। थैंक यू, तुम तो यमदूत हो यार। यमदूत नहीं बोलते, देवदूत बोलते हैं। वही यमदूत। थैंक यू, थैंक यू। अरे अरे थैंक यू, अरे बस थैंक यू बस बस। थैंक यू, हां 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 बस 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 बस। अरे थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। आज चल रहे तुमने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो यमदूत? मैं वही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। आत्माराम तुकाराम भिड़े। आत्माराम यार तुमको तो मैं जानता हूँ, हम लोग कई बार मिल चुके हैं। तुम हर जगह मुझे मिल जाते हो, तुम भगवान। इतने बड़े हादसे के बाद भी इसकी उतरी नहीं है अभी तक। सस्ताराम। सस्ताराम नहीं, आत्माराम। ओए सॉरी आत्माराम। देखो तुमने मेरी जान बचाई है। कैसे चुका? अरे 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 हलू हलू भाई, पहले सीधे खड़े रहो। ये देखो बैग भी ऐसे ही पड़ा है। इधर गया। अरे इधर हो। मेरा पर्स। अच्छा वो ध्यान गया मेरा, मेरे पर्स पैसे। तुम गायब हो जाते हो, भगवान हो यार। अरे बाप रे, मनोज भाई के पैसे। चश्मा कहाँ गया मेरा? अरे बोलो एहसान कैसे चुकाओ? मेरा चश्मा ढूंढ कर मेरा एहसान चुकाओ। ओके चश्मा चश्मा चश्मा। Oh
देखो ढूंढ निकाला तुम्हारा चश्मा, देखा कैसे ढूंढ के निकाला। सत्यानाश, अरे तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया। कैसे टूटा? कैसे टूटा? अरे तुम्हारा पाँव मेरे चश्मे में पड़ा, चश्मा टूट गया। कमाल है, कमाल है। अरे मेरे तुम्हारी जान बचाई, तुमने मेरे चश्मे की जान ले ली। कितना पैसा दूं? नहीं चाहिए मुझे चश्मे का पैसा। चश्मे का पैसा देने का भी नहीं है, मेरी जान बचाई उसका कितना पैसा दूं? अरे भाई मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, ये पकड़ो अपनी बैग। तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो एहसान कैसे चुका? कितना पैसा दूं? मैंने बोला ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। देखिए मुझे जाने में देर हो रही है, मेरे घर पे मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। माधवी बापरे, उसे फोन करके। क्या हुआ? तुम्हारे पास तीन तीन मोबाइल है? मेरा एक ही मोबाइल था जिसके टुकड़े हो गए तीन। इंस्टॉलमेंट में लिया होगा। तुम्हारी वजह से मेरा मोबाइल टूट गया। क्यों इतनी पीते हो? इतनी क्यों पीते हो यार, तुम्हें देख के मुझे मेरी वाइफ की याद आ गई। पहले माँ याद आ गई, अभी वाइफ याद आ गई। वो भी ऐसे ही बोलती है, क्यों इतनी पीते हो यार। काम करो, तुम और मेरी वाइफ दोनों पियो, मतलब साथ में बैठ के नहीं, ऐसे अलग अलग लेकिन पियो, तो तुमको पता चलेगा हम लोग क्यों पीते। अरे लेकिन इसी पीने की वजह से तुम मरते मरते बचे हो। मतलब तुमने मेरी जान बचाई। परस सुनो ना। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे भाई क्या चाहिए? एहसान चुकाऊंगा मैं, क्या चाहिए तुमको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। पस्ती राम। अरे बोलो यार। आत्मा राम। देखो यार मुझे एहसान चुकाना है, बोलो ना कितना पैसा चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। ओके, तुमको पैसा नहीं चाहिए, मुझको एहसान चुकाना है। एक काम कर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। अरे ये कौन सा तरीका है? अरे लेकिन, अरे लेकिन ये कौन सा तरीका? अरे इधर आओ यार, इधर देखो मैं इधर खड़ा रहूंगा, तुम उधर रास्ते के बीच में खड़े रहो। अभी थोड़ी देर में एक टेम्पो आएगा, तुम हिलना नहीं है? मैं आवाज दूंगा, अरे अरे हटो हटो, लेकिन तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? तो जैसे टेम्पो एकदम नजीक आ गया तो मैं इधर जम मारूंगा। और ऐसा तुम्हारा जान बचाऊंगा, एहसान पिट्टू। अरे ऐसे ऐसे कोई एहसान चुकाता है? ये मंजूर नहीं है, लेकिन एहसान तो चुकाने का है ना। बोलो कितना पैसा दूं? कितना लाख दूं? अरे कितना करोड़ दूं? बोलो। ओहो लाख करोड़, तुम तो कुबेर के औलाद हो ना? अरे मैं कुबेर पति हूँ, मतलब करोड़पति, करोड़पति हूँ। अरे भाई तुमने मेरी जान बचाई तो ये करोड़ रुपया काम का है, वरना मैं अगर ऊपर चला जाता तो पैसा किस काम का है कि? अब बोलो कितना पैसा दूं? नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर कुछ देने तो रिक्शा दिला दो, मुझे घर जाना है। ओके रिक्शा खरीद के देता हूँ। ए रिक्शा, ए रिक्शा कर, टैक्सी, टैक्सी खरीद के देता हूँ। रुको रुको भाई साहब, रुको 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 रुको। ए टैक्सी कैसे दी? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इनको घर छोड़ना है। आइए आइए इधर आइए, आइए आइए मैं तुम्हें घर पहुंचाता हूँ, चलो। अरे टेंशन मत लो यार, मैं ऐसे ही जीता हूँ ऐसे ही पीता हूँ, तो मेरा रोज का कार्यक्रम है, मैं चला जाऊंगा, फिकर मत। तो तुम्हें तुम्हारे घर का पता पता है ना? अरे बोला ना पता है यार, मैं चला जाऊंगा। जरा इनको प्लीज घर छोड़ देना इनके। आओ बैठो बैठो। एक मिनट ये ब्रीफकेस पकड़ो। Yeah.
क्या चाय पीने बैठो? अरे ऊपर बैठो। पीने बाबा अब ये रखो। ए, तुम रख लो। अच्छा ठीक है। इधर नहीं, अपने पास रखो। इनाम इनाम। अरे भाई साहब, मैंने आपकी जान इनाम के लिए नहीं बचाई है, वो तो मेरा फर्ज था। अरे रख लो यार, रखो। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, रखो आप। अरे रख लो यार, खुशी से दे रहा हूँ। मेरी मेहनत की खून पसीने कमाई है, बहुत तरक्की करोगे। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं चाहिए मुझे। अरे रख लो यार, तुम्हारी वाइफ बदल जाएगी। आइते अरे लाइफ लाइफ बदल जाएगी, फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। मेरी फैमिली की लाइफ अच्छी है, मुझे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अरे रखो यार। अरे मेरी जान बचाने की छोटी सी कीमत है। अरे चलो ड्राइवर, बोरी वाली वेस। नहीं नहीं, ओ अरे नहीं नहीं, अरे मेरी, अरे 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 मुझे इनाम नहीं चाहिए भाई। सोने की बिस्किट, काफी लेट हो गया आज। डायल किया गया नंबर। अरे फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। लगता है इनके फोन की बैटरी डाउन हो गई। ओहो, ये कहाँ रह गए ये? मनोज भाई के घर से तो कब के निकल गए हैं? अरे ये मार्सल का वेट लग रहा है। नहीं ये इनाम दिया है कि टेंशन दिया है? भगवान क्या मुसीबत है, सोने के बिस्किट। वैसे मुझे इनाम नहीं चाहिए था, मैं इनाम नहीं रख सकता, मैं उसे वापस दे देता हूँ। लेकिन कहाँ दूँ, कहाँ रहता है वो किसको पता है? क्या करूँ क्या करूँ? बेटे शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसे समय में दिमाग को शांत रखना चाहिए, शांत रहो। कुल्ला भी जा। नहीं नहीं, एक सच्चे नागरिक की तरह तुम्हें ये सब कुछ पुलिस को बता देना चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं जाता, लेकिन कैसे जाऊँ? रिक्शा तो मिल नहीं रही है। तो ये टेंशन, ऊपर से रिक्शा नहीं। अरे वाह, आई रिक्शा रिक्शा। ओ सॉरी भाई साहब, मैंने क्या वो ठीक से देखा नहीं, मुझे लगा रिक्शा आ रही है ना। ये मैंने आपको हाथ किया, सॉरी। रुकिए, भाई साहब ये कॉस्मोस हेरिटेज सोसाइटी एमजी रोड किस तरफ है? आश, भाई साहब को पता जानना है। बहुत इजी है भाई साहब, यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना तो एक आगे राइट टर्न है, वो राइट टर्न ले लीजिए, फिर आगे आपको एक गार्डन दिखेगा। वो गार्डन से थोड़ा सा नज़दीक में हमारी सोसाइटी है, गोकुलम सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी से 5 बिल्डिंग छोड़कर आपको मिलेगी कॉस्मोस हेरिटेज सोसाइटी। थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको अभी रिक्शा नहीं मिलेगी। नहीं ना, आइए आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको क्या मालूम मैं कहाँ रहता हूँ? अरे भाई साहब, अभी तो आप बोले ना कि आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो। अरे हाँ सॉरी, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ रुक जाओ भिड़े।
क्या कर रहा है? कभी किसी अंजन का भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई साहब सॉरी, मुझे अभी याद आया कि मुझे अर्जेंट काम से कहीं और जाना है, मैं अभी घर नहीं जा रहा हूँ, तो आप जाइए, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओके ओके। हे रघु, राजा नाम है अपुन का, राजा अपुन से पंगा लेंगे ना भारी पड़ेगा। ले लेंगे ना कल पैसा, काहे को परेशान हो रहा तू? अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गुंडे जैसे दिख रहे हैं। दो पैक ज्यादा मान लिया तो बहुत आवाज कर रहे हैं। अरे देवा, आप तो काय करो। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।